व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम रिएक्शन लेके आए हैं टोनी कक्कड़ लैला सॉन्ग। जो टोनी कक्कड़ का लैला सॉन्ग आया था उसको रोस्ट किया है नगीना शेट्टी भाई ने। पहले बात तो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्ट होता है हंसी मजाक के लिए, उसको दिल पे मत लिया करो। और सिर्फ हंसी मजाक के लिए, थोड़ी सी खुशी हो जाए, थोड़ा सा मस्ती मजाक हो जाए, इसलिए रोस्ट होता है। और नगीना शेट्टी भाई बहुत ही तगड़ा रोस्ट करता है, मतलब कि जो एक्सेंट है जिस तरीके से रोस्ट करता है बहुत मजा आता है। तो अगर आपने ओरिजिनल वीडियो अभी तक देखी नहीं तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, प्लीज़ जाके ज़रूर चेकआउट करके आना, आपको बहुत मजा आएगा। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भाई के चैनल पे आपको अच्छी लगेंगी, जैसे वो जो पोस्टर लगा रखे हैं वेलकम दोस्तों, वो हो गया है ना, ज्योति कि थे मेरी आत्थू, और जो सच में स्टाइल है। और भाई को इंस्टा पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि ना वो जिस तरीके की स्टेटस लगा से पन्नी नहीं हटाई है, चेयर से पन्नी नहीं हटाई, टिपिकल बैकग्राउंड सेटअप बदल दिया, वो जानबूझ के नहीं हटाई, मैं बता रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, जिस तरीके से भाई एक्सप्लेन करते हैं ना चीज़ों को, मतलब कि एक एक कमेंट वगैरह इंस्टा पे क्या किसने कैसे फॉलो किया, क्या इंस्टाग्राम पे हर चीज, हर स्टेटस पे जो भी गंदा रिप्लाई करता है ना उसको इतने प्यार से उसको जलील करता है ना, इंस्टा स्टोरीज चेक की थी भाई। अगर मन करे तो हमारे गेमिंग चैनल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर लाइव स्ट्रीम होती है 10 बजे, उसको भी फॉलो कर लेना। और इस चैनल पर भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, और शुरू करते हैं। और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, जरूर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरू कर दे वीडियो फन के लिए, कृपया इसके मजे लें अंदर से। यूज हेडफोन प्लीज। बेटा गाने सुनने का बहुत मन कर रहा है। अरे तो चाचा अब भी गाने लगा देता हूँ। हाँ जरा टोनी कक्कड़ के लगा। ओ चाचा अच्छा भला नाम है तेरा, तोतो चाचा ज्यादा भोसड़ी वाले चाचा ना पन। टोनी कक्कड़ सुनना है, टोनी कक्कड़ लैला। वेलकम दोस्तों, वेट क्या ट्रांजिशन कर, वेलकम दोस्तों, वेलकम दोस्तों, आपू जूते कथे मेरी पैर, स्टाइल एक नंबर। नाच मेरी लैला, नाच मेरी लैला, नहीं साले लैला वेली है, अभी उसने जाके नेल एक्सटेंशन कराने हैं, इंस्टाग्राम पर मेकअप ट्यूटोरियल देना, ऐसे करके अपने मुंह पे पेंट थोपना है। साला जिस भी सिंगर को देखो वो किसी ना किसी को नचा ही रहा है, ये टोनी कक्कड़ लैला नचा रहा है, गुरु रंधावा रानी नचा रहा है, रफ्तार उसको नचा रहा है, सालो सारी डांसर ही बना दो, भी फेमिनिस्ट आएंगी नीचे कमेंट करेंगी। देखो भाई कतई मन नहीं था इस वीडियो के लिए, कतई मन नहीं था, मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली थी ये बोल के, एक ही बंदे को कितनी बार मैं रोस्ट करूं, कितनी बार, मतलब समझ रहे हो, एक ही चीज बार बार मैं बोली जाऊंगा हर वीडियो में आके, यार ये गाना रिपीट करता है, ये लाइनें रिपीट करता है, रिपीट करता है, लेकिन इतना दिमाग तुम लोगों ने खा लिया ना कि नहीं भाई इस पे वीडियो जरूर बनती है, लैला पे वीडियो जरूर बनती है। मैंने कहा यार ऐसा है क्या, मतलब इस गाने में ऐसा क्या है जो इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि इसको रोस्ट करो। फिर मैंने सुना ये गाना, देसी म्यूजिक फैक्ट्री के इसके जो लिरिक्स है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, और वो सही में बैठ गए। सारे लिरिक्स मेरे को एवरेज लगे, ठीक है चलो उसके लिरिक्स फिर ठीक है लैला के, एहसान फरामोश, लेकिन एक बीच में जो लाइन है ना, खोल दूंगा अम्ब्रेला, कौन सी अम्ब्रेला, नहीं मतलब कोई लॉजिक कुछ बन रहा है, तो तेरी जिंदगी में कोई लॉजिक नाम की चीज आया कि नहीं, कतई जहर फैला रहा है, जहर छाती पे चाकू मारो मेरे। देखो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, समझ लो प्लीज, कि ये जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है इसको कृपया ग्रो करवाओ, थोड़े इंक्रीज करवाओ फॉलोअर्स, यार ऐसे नहीं बात बननी, फॉलो फॉलो करो। और मेरे को सच्ची ये सजेशन मैं आपसे मांग रहा हूँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना कि मैं अपना व्लॉग चैनल खोलने की सोच रहा हूँ, तो अगर आप व्लॉग्स देखना पसंद करोगे तो मैं व्लॉग शुरू करूँ, अगर सिर्फ रोस्टिंग देखनी है या इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के हमारे गेस्ट हैं टोनी कक्कड़। सबसे पहली बात, मेरे को ये गाना शुरू से लेके एंड तक समझ ही नहीं आया क्या बोल गया, उसके बाद जाके मैंने गूगल पे सर्च किया इसके लिरिक्स, जब मैंने इसके लिरिक्स खोले उन्होंने खुद लिखा हुआ था इंटू 10, मतलब उनके पास भी इतना टाइम नहीं नाच में नहीं लैला 10 बार लिखने का, उन्होंने लिख दिया इंटू 10, बेइज्जती है साले। सबसे पहली बात टोनी भैया, जाके ना एक चंगे जे कपड़े लो, खुले ढुल्ले निकरों वाले पता नहीं क्या कुछ पहनते रहते हो यार, 24 घंटे 12 महीने तू गोवा में बैठा रहता है, फूलों वाले कपड़े, वही चमकीले कपड़े, रियाज फैजू वाले, छपड़ी निब्बों का राजा है और निब्बियों का सैया, छपड़ी निब्बों का राजा है और निब्बियों का सैया, प्रेजेंटिंग यू टोनी भैया।
साला जिंदगी में गलत से गलत काम कर लूंगा पर टोनी कक्कड़ का गाना कभी अपने फोन में ना रखूं। मतलब ये बंदा गाने निकालते जाएगा और हमें कंटेंट मिलता जाएगा। मतलब आधे से ज्यादा टिकटॉकरों का बेड़ा पार इस बंदे ने किया है। ये गाने बनाई जा रहा है, वो नाची जा रहे हैं, हम रोस्ट करी जा रहे हैं। भाई अगर वीडियो देख रहा ना, कतई टट्टी गाना है ये लैला, कतई टट्टी गाना। मतलब 50,000 बार लैला लैला लैला, और जब इसका गाना देखा मैंने कितने डिसलाइक थे उसपे, मजा आया। और जब मैंने कमेंट सेक्शन खोला तो पहला ही कमेंट इसकी कंपनी ने पिन किया हुआ, क्यों? क्योंकि वो कोई निब्बी है जो समझा रही है कि उसने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। तो जब वो इतने प्यारे प्यारे गाने गाते हैं तब तुम हेट कमेंट करते नहीं हो, जब वो पार्टी सॉन्ग गाते हैं तो तुम हेट कमेंट करते हो। पार्टी सॉन्ग ये कौन से एंगल से पार्टी सॉन्ग है? सारा इतने बकवास लिरिक्स तेरे कुर्ता पजामा में नहीं थे, कोका कोला में नहीं थे, बाकी के जितने भी बवासीर तूने निकाले हैं उनमें नहीं थे, जितने बकवास इसमें। साला आह आह खोल दूंगा अम्ब्रेला। मैं बताता हूँ इसके लिरिक्स। तो सबसे पहले हम टाइम नहीं खराब करेंगे और इसके जो लिरिक्स है ना लैला के वो हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग ही होती है आह आह से। तो वो शर्म नहीं आती? रात जवान है, तू भी जवान है, मैं भी जवान हूँ, सारे जवान साले प्लूटो दे आए हैं, सारे जवान है। नहीं है बुड्ढे किधर गए, बाबा का ढाबा किधर गया? जवान है, तू भी जवान है, मैं भी जवान हूँ, मौसम सही है, देख रहा हूँ मौसम सही है, तेरी 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 नहीं नहीं मेरी 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 जवानी को कह देगी तू खोल दूंगा अम्ब्रेला। मेरी जवानी को कह देगी तू खोल दूंगा अम्ब्रेला। कोई लॉजिक बन रहा है, कोई मतलब बन रहा है इस लाइन का? कौन सी अम्ब्रेला, क्या अम्ब्रेला, क्या जुत्ती मेरी। ठीक है तेरी आवाज ठीक है, तू जब तक अच्छे अच्छे गाने गाएगा कोई और लिरिक्स तेरे को देगा ठीक है, तू अपने लिरिक्स ना लिखा कर भाई। अच्छा मेरे को ये नहीं समझ लगती, मैं जब भी टोनी पे वीडियो बनाता हूँ जितने नन्हे मुन्ने डॉट कॉम 12-13 साल के मेरे को मैसेज करके गालियां निकाल रहे होते हैं, तू भोतरी का जलता उससे, तू भोतरी का जलता जलता है। ऐसे बंदों से जलने से अच्छा मैं सोशल मीडिया छोड़ दूं, तू उसकी फेम से जलता। मेरे को ऐसी फेम चाहिए नहीं भाई, जहां 36,000 मीम पेजेस पे ट्रॉल होके तेरे को फेम मिल रही है, ऐसी फेम चाहिए नहीं। कतई शर्म नहीं है इस बंदे में, कतई 1% भी शर्म नहीं है। इसको पता भी है ये कितने पेजों पे ट्रॉल हो रहा है, और इसको पता भी है इसके गाने का कोई मतलब नहीं बन रहा, इसको पता है कि लोग मेरे गाने को नहीं पसंद करते एक्सेप्ट सम छपड़ी निब्बा निब्बी, फिर भी ये स्नैपचैट डाल रहा होता है थैंक यू टोनी फैम, हमारे 500 मिलियन व्यूज हो गए हैं, इतने लाइक्स हो गए हैं, इतने कमेंट्स हो गए, थैंक यू टोनी फैम, फिर भी इंस्टाग्राम स्टोरीज डाल रहा होता है। क्यों? क्योंकि रियाज ने नाचा होता है, फैजू ने नाचा होता है, ऐसे और छपड़ी वाले लोग हैं वो नाचते हैं इसके गाने पे और ये उनकी रीशेयर कर देता है। बड़ी टॉर से बोलेगा हमने 700 मिलियन क्रॉस कर लिए, हमारे इतने लाइक्स हो गए। साले सही में बताऊ ना, मुन्ना भैया का जो गाना है ना 7 सेकंड का, ललित लोडू ललित लोडू ललित, वो तेरे 10 गानों से ज्यादा अच्छा है। साला एक ही जगह पे कैसेट अड़ जाती है, मेरे को तो ये नहीं समझ लगता कैसेट डालता कहां है जो इतनी बार अड़ जाती है एक ही वर्ड पे। अब इसके आगे वाले लिरिक्स है ना मेरा कतई पढ़ने का मूड नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है नाच मेरी लैला इंटू 10। मैंने अपने फ्रेंड को पूछा, मैंने कहा यार टोनी कक्कड़ का नया गाना है, कहता मैं बाऊजी के तेल लगाने चल जाऊंगा उसका गाना नहीं सुना, अब तो शर्म खा जा। और रब दा वास्ता कोई बंदे वाले लिरिक्स लिख, कुछ लॉजिकल लिख भाई मेरे। अब पुराने जमाने में इतने बढ़िया बढ़िया गाने होते थे, खड़ा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है, मतलब समझ रहे हो? इसकी ट्यून तेरे गाने से भी अच्छी है नहीं मतलब समझ रहे हो, चाहे नॉन वेज गाना है चाहे कॉमेडी गाना है, पता नहीं सेंसर बोर्ड कौन सा गांजा फूक के बैठा था जो उसने ये देखा नहीं कुछ समझा नहीं, लेकिन फिर भी मतलब तो बन रहा है ना, अभी खड़ा है मतलब तो है ना गाने का, तेरे कोई गाने का मतलब ही नहीं है, खोल दूंगा अम्ब्रेला बारे साले डाल के खोल देना तेरी ले लूं बाहे बाह में, तेरी ले लूं बाहे बाह में, धीरे धीरे डालूं चाल मैं, धीरे धीरे डालूं चाल मैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नाच मेरे लैला लैला, नाच मेरे लैला, नाच मेरे लैला लैला, नाच मेरे लैला, आए नाच मेरे लैला लैला, नाच मेरे लैला। आगे सुनो केला, मेरा दिन क्यों खराब हो, लैला 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 लगे जैसे पहला 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 है, लैला 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 लगे जैसे पहला पहला है, मजनू तेरा खड़ा सामने रहती लैला है। दे यारा की कहन दे आ जुत्ती किथे मेरी है किथे, आज तेरे को दे ही दो जुत्ती, दे दो हो आशिक तेरे सौ सौ पर टोनी कक्कड़ पहला।
लैला की जवानी सब पे भारी, लैला सबसे चमत्कारी, साले तांत्रिक दी कुड़ी है। उसके बाद सुनो आ, 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 देखा देखा यहाँ पे बात खत्म नहीं होती भाई। ये जो छपड़ी निब्बा निब्बी है ना, इन्होंने यही वाली लाइंस है ना उसका व्हाट्सएप स्टेटस डाला होता है, इंस्टाग्राम स्टोरी डाली होती है, और उसके बाद है नाच मेरी लैला इनटू 8 गाना खत्म। एक मेरी तरफ से भी लाइन ऐड कर, नुनु मेरा लैला लैला, नुनु मेरा लैला। देख भाई एक रिक्वेस्ट है, दिवाली आ रही है, लोगों के चेहरों पर बहुत खुशी है, एक हंसी है, खराब मत करिए। अभी 10-15 दिन गाना नहीं निकाली, उसके बाद जो मर्जी कर, नवंबर के एंड में जो मर्जी कर, अभी दिवाली से पहले गाना नहीं निकाली ना, ना। बिल्कुल तेरा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल तेरा कोई गाना नहीं चाहिए। बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और ब्लॉग्स की सजेशन जो आपसे मांगी है उसके बारे में जरूर बताना कमेंट्स में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो लाल बटन है ना दबा दो उसको, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और टोनी फैम ना कमेंट सेक्शन में बकवास की ना, तो तुम लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, तुम सारे जबरदस्त वीडियो। अगेन भाई ने कहा था अब क्या नहीं निकालूंगा रोस्ट, टोनी कक्कड़ पे फिर हाँ। निकालते क्योंकि लोगों की डिमांड, तुम लोगों को मतलब क्या मजा रहा है यार दो दिन टोनी पे वीडियो निकालने में। टोनी कक्कड़ ओपी भाई, टोनी कक्कड़ ओपी। और एक और चीज अगर हम कहना चाहें कि टोनी कक्कड़ ओपी, इसलिए नगीना भाई कंटेंट निकालता उसके ऊपर गाने, मतलब कि ये अच्छा था कि 15 दिन गाने मत निकालिए। नहीं नो डाउट आवाज अच्छी है, आवाज कोई वो नहीं है। नहीं लेकिन भाई ने खुद ही कहा ना कि आवाज बहुत अच्छी है, जब तक दूसरा लिरिक्स लिखता है। भाई लिखता है तो कहता है शॉर्टकट मारता है बीच में ही, की बात हो तो लिरिक्स नहीं लिखने भाई उसको। और नगीना भाई जो कंटेंट बनाया है बहुत ही तगड़ा क्रिएट किया, और वो मस्त था जब कह रहा ना कि नाच मेरी लैला इनटू 10 भाई साहब, कह रहा गूगल भी कह रहा है उतना टाइम नहीं, उसके बाद उसने सीधा इनटू 100 नहीं इनटू 10 उसने लिखा गूगल ने, इनके लिरिसिस्ट ने लिख दिया जिसने लिखा था, और लास्ट में इनटू 8। अरे यार गजब भाई। एक तो सजेशन मैं ये कहूँगा कि नगीना भाई को ना तुम जाके कमेंट बॉक्स में लिखते हो सारे जाके कि भैया हाँ ब्लॉग्स चाहिए, ब्लॉग्स चाहिए, मजा आएगा ब्लॉग्स देखने में, क्योंकि नगीना भाई है ही ओपी, और जब वो रियल लाइफ में भी ऐसे मुझे बेसिकली ये देखना है कि मतलब रियल लाइफ में वो इतना ही बकचोद है, फनी है जो उसकी टोन है ना, क्योंकि मैं बेसिकली रोस्ट हर कोई करता है, लेकिन जो उसकी एक टोन है ना एकदम से, वो जो पंजाबी एक्सेंट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। और क्या बोलते हैं जैसे कोई भी गाना उठा लो यार, नहीं बात सही है, सही है नगीना की गाने में ट्यून होती है जो दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन जो लिरिक्स है ना वो ज्यादा बैठ जाते हैं, क्योंकि देख मान लिया कि ये नहीं सुनते लेकिन जो ना कुर्ता पजामा जो आया था वो काला काला वो कान में ऐसे बसता रहता है। नो डाउट आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत वही आ जाती है भाई जो कह रही है लिरिक्स में, भैया लिरिक्स गड़बड़ मत करो, वो होता नहीं चल रही है साउंड, हर चीज सबके लिए मतलब हर एक के लिए नहीं बनी होती भाई, लिरिक्स तुम्हारे लिए नहीं है, आवाज बहुत अच्छी है, आवाज अच्छी, गाना गाओ, आईब्रो बहुत अच्छी है तुम्हारी, आइए करते हैं हम भी करवाएंगे। नगीना भाई बहुत तगड़ा रोस्ट करता है, मजा आता है वीडियो देखने में। वो निब्बा निब्बी वाली भी अमेजिंग थी, पता नहीं डिलीट क्यों हो गई भाई की वीडियो यार, निब्बा निब्बी वाली। और भाई ऐसी वीडियो बनाते रहो, ऐसी हम कोशिश करें रिएक्शन लाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।